Hey, Mota Bhai, 49? स्टार के सब चैनल मतलब के स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार गोल्ड, स्टार भारत, सब कुछ 49 रुपीस में। मुड़ा भाई, देने वाली बात करो ना, 200 तो लो। भाई साहब, मूल भाव नहीं होगा। अरे पर द लेटेस्ट फिल्म, उनकी तो इज्जत करो। चलो 190 में डन। बोला ना 49, चाहो तो आगे पता कर लो। अरे पर वो भी तो आता है, क्या कहते हैं उसे, वो अपना जंगली जानवर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, नेशनल जियोग्राफिक। हाँ, नेशनल जियोग्राफिक, वो भी 49 में। थोड़ा तो बढ़ाओ, गुंजाइश होती तो चिक चिक करते। मींस के स्टार स्पोर्ट्स, आईसीसी वर्ल्ड कप, कबड्डी, फुटबॉल और वीवो आईपीएल सब 49 में। क्या बात कर रहे हो। चलो ना तेरा ना मेरा, 100 में करो फाइनल। डन, बोल भाई। विश्वास नहीं होगा यार, 49 में मिलेगा स्टार। 29 दिसंबर से पहले खरीदिए स्टार वैल्यू पैक। 49 मा सच्ची? कहीं देखा है, पर ऐसा बंदर वाला चेहरा तो नहीं था। खैर छोड़िए, वैसे पैसे आने वाले है कि जाने वाले, पैसे आने वाले हैं कि जाने वाले। बस बस, पैसे तो आए नहीं, पैसा पैसा किए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लाइव हो हमारे चैनल में, यानी किशोर कुमार बैनर्जी में। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो इसी के ऊपर ट्रेलर था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अब तक तो आपने टीवी में देख ही लिया होगा कि हमारे जो इंडिया के 3 सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स है, यानी कि सोनी, स्टार और जी, ने अपना वैल्यू पैक अलग से बनाया है। किसी ने कहा है, स्टार ने जैसे कहा है कि वो वैल्यू पैक है, जी कह रहा है फैमिली पैक और सोनी कह रहा है हैप्पी इंडिया पैक। अब इन्होंने, इन सब ने क्या किया है, अपने आप को अलग से तोड़ लिया है और अलग प्राइसेस बना लिए हैं। हम इन पे ही डिस्कशन करेंगे कि चैनल प्राइसेस क्या है और हमें क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि 29 दिसंबर से पहले आपको रिचार्ज करना है, नहीं तो आपके सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। तो पूरा जो चीज़ है हम वो डिस्कस करेंगे आज, और फ्री टू एयर चैनल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वो भी आपके पैकेज में घुसेगा। पहले भी था, थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड हुआ है, चार्जेस बढ़ा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हम उनके वेबसाइट में अलग अलग जाएंगे पहले ब्रॉडकास्टर्स के, जैसे कि सोनी, स्टार और जी के, और देखेंगे कि चैनल का हालत क्या किया है, चैनल के प्राइसेस क्या किया है उन्होंने, ताकि हम एक कैलकुलेशन लगा पाए कि अभी महीने का जो हमारा मंथली रेंटल बनेगा वो कितना बनेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि जो सब्सक्राइबर पहली बार चैनल में आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए वेबसाइट में चलते हैं पहले। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं वेबसाइट में, तीनों वेबसाइट मैंने खोल लिया है, और मैं जो भी कहूंगा वो रहेगा, एक रहेगा हिंदी चैनल पैक जो है, और साथ ही मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो बंगाली चैनल पैक्स के बारे में बताऊंगा। आप अपने स्टेट के अनुसार समझ लीजिएगा, एक ही है नियर अबाउट प्राइसेस। तो ये है स्टार का। स्टार का सबसे पहले चैनल पैक्स में जाते हैं, यहाँ देखिए, पिक योर लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, व्यू ऑल। तो पहले हिंदी वाला देख लेते हैं, और सारा मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन पैक बताने वाला हूँ, एसडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वैल्यू पैक है 49 का और प्रीमियम पैक है 79 का। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ मिल रहा है स्टार प्लस, स्टार भारत, स्टार उत्सव, स्टार गोल्ड, स्टार मूवीज, स्टार उत्सव मूवीज, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, 2, 3, 1, नेशनल जियो वाइल्ड और नेशनल जियोग्राफिक। और इसमें भी ये सारे मिल जा रहे हैं 79 में, सिर्फ स्टार वर्ल्ड एक्स्ट्रा है, स्टार मूवीज एक्स्ट्रा है, स्टार गोल्ड सिलेक्ट एक्स्ट्रा है, और स्टार स्पोर्ट्स हिंदी मिल जा रहा है, यहाँ वहाँ भी था, यहाँ सिलेक्ट और स्टार स्पोर्ट्स 2 सिलेक्ट भी मिल रहा है, 1 सिलेक्ट और 2 सिलेक्ट मिल रहा है, और नॉलेज में फॉक्स लाइफ अलग से है। एचडी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अब चलते हैं
पहले बंगाली चैनल पैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हिंदी चैनल पैक्स के बारे में बताया गया है, अब बंगाली चैनल पैक्स में देखेंगे कि क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा है या मिला के क्या निकलता है। सबसे पहले तो 4979 यह भी है, यह देखिए आपको स्टार जलसा जो है हमारा बंगाली चैनल है और यह स्टार प्लस दिया हुआ है। और मूवीज़ में आप जैसा देख पा रहे हो कि जलसा मूवीज़ और स्टार गोल्ड है, मगर मूवीज़ ओके नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आता है क्वेश्चन मार्क कि आपको तो फिर हिंदी चैनल पैक लेना ही होगा। तो यहाँ फिर स्पोर्ट्स में ठीक है मानता हूँ, नॉलेज में भी ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि प्रीमियम में भी सब कुछ ठीक है, मगर मूवीज़ में यहाँ भी मूवीज़ ओके दिया हुआ नहीं है। अब पकड़ लो मूवीज़ का चैनल पैक अब थोड़ा ज़्यादा लगना चाहते हो मूवीज़ का लिस्ट, तो क्या करोगे, तब वही होगा कि 49+49 98 रुपीज़ होगा। तो इस तरीके का है कुछ, और सारे दूसरे जो लैंग्वेज पैक्स में भी है इसी तरीके का है। 49 और 79 का इन्होंने बनाया है SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन का पैक, और एक का नाम दिया है वैल्यू पैक 49, और 79 का है प्रीमियम पैक। अब जी में जाते हैं, जी में देखते हैं चैनल प्राइसिंग क्या हुआ है। दो तरीके के होते हैं नॉर्मली, यहाँ देखिए आला काटते मतलब एक एक चैनल का प्राइस, ये भी मैं आपको खोल लेता हूँ, और बुकेट्स मैं खोल लेता हूँ, बुकेट्स यानी कि पैकेजेस एक साथ। तो आला काटे में जैसा कि ये देखिए सारा अलग है, जी टीवी 19 रुपये, NTV 12 रुपये, ऐसे करके अगर जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा गिरेगा आपका अगर आप नॉर्मली एक एक चैनल करके लोगे। तो बुकेट में देखते हैं क्या है, बुकेट में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में फिर से देखिए लैंग्वेज पैक के अनुसार किया गया है। तो यहाँ पे भी किया गया है कि 45 पर मंथ का एक किया गया है, और ऑल इन वन ₹60 का एक पैक किया गया है। तो पहले देखते हैं 45 का, यहाँ आपको मिलते हैं जी टीवी, NTV, जी अनमोल, बिग मैजिक, जी सिनेमा, एन पिक्चर्स, जी बॉलीवुड, जी एक्शन, अनमोल सिनेमा, जी न्यूज़, हिंदुस्तान बिजनेस, लिविंग फूड्स, ETC, जिंग, सलाम, गंगा और झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कालक और EZ मॉल। अब ये है हिंदी का, इसलिए इतने सारे हिंदी वाले चैनल्स हैं। अब पकड़ लीजिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो बंगाली चैनल पैक तो लगेगा, और ऑल इन वन एक बार दिखा दो हिंदी वाला, तो यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा रहेंगे, जैसे कि यहाँ और थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो अब चलते हैं कि जो कि रीजनल चैनल पैक्स है, तो बंगाली में अगर खोलूँ तो बंगाली में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है जी सिनेमा, एन पिक्चर्स, जी बॉलीवुड, सब कुछ ही है। साथ ही में आपका बंगला जो चैनल है ये देखिए 24 घंटा जो हमारा न्यूज़ चैनल है वो दिया हुआ है, जी बंगला दिया हुआ है अलग से, मगर यहाँ भी कुछ हेर फेर तो ज़रूर है, पिक्चर्स में तो ज़रूर रहेगा। कि थोड़ा देख के ही बता देता हूँ मैं आपको कि जी एक्शन, जी न्यूज़, लिविंग फूड्स और बंगाली अगर एक बार और खोलूँ, ये नियर अबाउट एक है तो शायद 45 में आपका चल जाएगा, नियर अबाउट एक है तो सारा ही मिल जाएगा आपको। जी थोड़ा अच्छा पैक बनाया है, पैक का सिस्टम जो है उनका हाई डेफिनेशन में आपको बाद में दिखाऊंगा, और आला करते आपको सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि पर चैनल जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। अब बात करते हैं सोनी पिक्चर्स की, अगर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की, तो सोनी का, अब सोनी का अगर देखें तो इन्होंने प्राइसिंग का इधर इनका कोई वो सिस्टम ही नहीं है, नीचे भी अगर देखे जाके तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे इन्होंने लिख के रखा है अभी, वो है ये वाला, यहाँ इन्होंने हैप्पी इंडिया पैक 31 पर मंथ लिख के रखा है। तो हिंदी, मराठी, मूवीज, किड्स, म्यूजिक, अब मराठी मतलब यहाँ बंगाली हो जाएगा मेरा अगर हुआ तो, वहाँ पे बस सोनी मराठी ऐसे करके है, तो यहाँ पे शायद हमारा जो सोनी 8 जो चैनल है वो आएगा, और सारा है सोनी सब, मैक्स, वाह, मैक्स 2, ये और मिक्स, तो ये सारे चैनल्स आपको मिलेंगे 31 रुपीज़ पर मंथ में। अब चलिए बात कर लेंगे कि टोटल कैलकुलेशन क्या होता है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट मैं समरी में बताता हूँ आपको कि पकड़ लीजिए स्टार के बारे में बात कर रहे थे और टोटल पैकेज ही बना लेंगे एक साथ। तो स्टार के बारे में जैसे कि तीनों को पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, तो एक चीज़ उन्होंने रखा है जिसे कहते हैं वो लोग मार्केटिंग। यहाँ उन्होंने ऐसा किया है कि हिंदी चैनल तो आपको लेने ही पड़ेंगे, वो आपका नेसेसिटी है। अब रीजनल भी तो अपना एक टेस्ट आता है, जैसे कि मैं बंगाली हो तो बंगाली चैनल्स हमारे घर में चलेंगे ही, आप पकड़ लीजिए मराठी हो तो मराठी चैनल्स रहेंगे ही। तो इसको क्या किया है उन्होंने, अलग कर दिया है ताकि कुछ चैनल्स इधर रहे, कुछ चैनल्स इधर रहे, और आपको दोनों ही लेना पड़े। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू पैक का जो बन रहा है उसमें 100 रुपये 49+49 98 एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा, और जो जी का है वो है करीब 90 ऑल इन जो है, तो
उस हिसाब से तो 190 बन गया आपका। अगर मैं सोनी का पकड़ूँ 31 रुपया लिखा है, अगर कोई पता नहीं अलग से उन्होंने अपने देखा ही स्क्रीन में दिया हुआ है नहीं, तो अगर मैं पकड़ता हूँ 60 तो पकड़ लीजिए 190 के साथ 60 250 रुपये। और अब बात करता हूँ FTA के बारे में। पहले वायकॉम 18 ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो कलर्स वलर्स का क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है। अब FTA के बारे में बात करते हैं, तो FTA जो होता है वो है फ्री टू एयर चैनल, जैसे कि E24, बिफोर यू मूवीज है, उसमें स्टार उत्सव आता है, ये सारे जो चैनल्स है वो DD डायरेक्ट प्लस में, और DD के सारे रीजनल चैनल्स और DD के नेशनल चैनल्स, DD किसान, फिर पार्लियामेंट के चैनल्स, वो सारे आपको फ्री में मिलता है असल में। तो उसके भी चार्जेस प्राइवेट लोग लेते थे पहले भी, वो 99 रुपीज़ लेते थे जो DD डायरेक्ट प्लस में आपको फ्री में मिलता था, तो उसका भी रेट उन्होंने 130 रुपीज़ कर दिया है प्लस टैक्सेस कर दिया है। तो अभी 250 था, 250 के साथ फिर से लगा दो 130 तो हो गया 380। अब पकड़ लीजिए कलर्स फिर लेके आता है कुछ, तो 400 के ऊपर तो जाने ही वाला है ये चीज़, 400 450। तो मेरे बारे में, मेरा केस मैं बता रहा हूँ कि एयरटेल का कस्टमर हूँ मैं, और वैल्यू प्राइम पैक है मेरा तो 315 पर मंथ है। तो अब अगर ये पकड़ लीजिए 400 हो जाता है तो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने दो प्रोबेबिलिटी रखा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता, और मैं सबसे ये कलेक्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी बता सकते हो कि पकड़ लीजिए एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 315 है तो आपके दिन घट जाएंगे, आपका वैल्यू पैक ऐड हो जाएगा अपने हिसाब से, और जो जो है अभी क्योंकि रीजनल चैनल्स भी है उस हिसाब से तो एक रेट बढ़ जाएगा, तो 400 450 अगर हो गया तो आपके दिन घट जाएंगे, ये हो सकता है एक। और एक हो सकता है कि सारे चैनल्स को बंद ही कर दिया जाए, फिर आपको एयरटेल को फ़ोन करना पड़े, आपके कस्टमर, आपके DTH प्रोवाइडर को फ़ोन करना पड़े और आपको पूछना पड़े और उसी हिसाब से आपको रिचार्ज करना पड़े। मगर उस हिसाब से अगर हम रिचार्ज करेंगे तो ऑनलाइन अगर आप रिचार्ज करते हो तो चार बार आपको रिचार्ज करना पड़ेगा चार चीज़ों के लिए, और आप अगर ऑफलाइन रिटेलर के पास जाके करते हो तो चार बार ही आप उसको बोलोगे तो वो भी कहेगा कि क्या ज़माना आ गया है, कैशलेस का ज़माना है, यहाँ पे चार बार ही एक ही आदमी एक ही अकाउंट के लिए रिचार्ज कर रहा है, एक ही कस्टमर आईडी के लिए। अब ये बहुत सारा झोल है, आप बताइए आपके पास अगर और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 3-4 कुछ है, या फिर आपके और डाउट्स और कन्फ्यूजन है आप बता सकते हो मुझे, और सारे वेबसाइट्स के लिंक मैं दे दूंगा, FTA चैनल लिस्ट भी मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर ले सकोगे तो वो देख लीजिएगा, और आप अपना कमेंट भी कीजिएगा कि क्या होने वाला है। तो आज के लिए वीडियो को यही एंड करूँ। वीडियो को एंड करने से पहले ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। HD के चैनल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, HD के चैनल प्राइसेस के बारे में। तो आज के लिए यही पे एंड करते हैं, टाटा।